ओम शांति व्यूअर्स, गुजरात में पोरबंदर के पास और द्वारकाधीश के पास हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज का इकलौता मंदिर है जिसमें दोनों पिता पुत्र एक साथ दिखाई देते हैं और यही वो जगह है जहां पे हनुमान जी मानव रूप में प्रकट हुए थे। तो ये गाइड के द्वारा आप सुनिए यहां की पूरी कहानी। वो मकर ध्वज थे और छोटे थे वो हनुमान जी थे, पिता पुत्र का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ दोनों साथ हैं। और वैसे तो आपको पता होगा तो हनुमान जी तो पांच ब्रह्मचारी थे, तो सवाल ये रहता है उनको पुत्र कैसे हुआ। तो उनको पुत्र कैसे हुआ, तो एक मछली थी जिसका नाम था मगरी, वो रोज सुबह सूर्य देव की प्रार्थना करती। तो एक दिन सूर्य देव उनको प्रसन्न हुए और बोला के मांगो तुमको क्या चाहिए। तो उस टाइम हनुमान जी लंका का दहन करके समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे। तो मछली ने देखा तो सूर्यदेव से बोला कि मुझे इनके जैसा ही बलवान पुत्र चाहिए। तो सूर्यदेव ने बोल दिया तथास्तु, आपको मिल जाएगा। बाद में हनुमान जी तो आ रहे थे लंका का दहन करके, उनको हो रहा था पसीना, उनके पसीने की बूंदे गिरी समुद्र में और वो जो मछली थी जिसका नाम था मगरी, उन्होंने पानी के स्वरूप में वो पसीने की बूंदे ग्रहण कर ली। बाद में उस मछली को पाताल लोक के फिशिंग करने वाले होते हैं ना, जो मछली पकड़ने वाले, उन्होंने पकड़ के ले गए पाताल लोक में और उनकी जो भी जगह थी वहाँ पे मछली को रखा। तो हनुमान जी का पसीना उनके पेट में गया था और सूर्यदेव ने वरदान दिया था इसलिए हनुमान जी के पसीने का उनको पुत्र हुआ। मछली का नाम मगरी था इसलिए उनके पुत्र का नाम हुआ मकर ध्वज। बाद में वो लड़का 5 दिन में 5 साल जितना बड़ा होता था, क्योंकि हनुमान जी का पुत्र जो था शक्तिशाली भी था बलवान भी था, उसको पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। फिर वो जो मछली थी वो असलियत में मछली नहीं, वो इंद्रलोक की कन्या थी, बट उसे श्राप दिया गया था इसलिए मछली बन गई। और उसे बोला गया था कि जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो फिर हनुमान जी के पसीने का पुत्र हुआ तो श्राप से मुक्त हो गई और फिर से कन्या बन गई और इंद्रलोक में चली गई। बाद में जिन्होंने मछली को पकड़ा था उन्होंने आके देखा तो मछली तो थी नहीं, एक छोटा सा बच्चा था, सोचा भगवान की भेंट करके रख लिया। वो 5 दिन में 5 साल जितना बड़ा होता था, उसको पाताल लोक का द्वारपाल बनाया मकर ध्वज को। फिर कुछ साल बाद राम लक्ष्मण को कैद कर लिया पाताल लोक में अहिरावण और बहिरावण। ये कब हुआ, जब राम मायण का युद्ध चल रहा था तब, हाँ तब अहिरावण और बहिरावण ने राम लक्ष्मण को कैद कर लिया पाताल लोक में। हनुमान जी गए ढूंढते ढूंढते छुड़ाने, पाताल लोक के द्वार पे पहुंचे तो मकर ध्वज जी खड़े थे। हनुमान जी बोले मैं अंदर जाऊंगा, मकर ध्वज जी बोले मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों पिता पुत्र की हो गई लड़ाई, क्योंकि हनुमान जी को तो पता ही नहीं था मेरा कोई पुत्र है। मकर ध्वज जी को पता था मेरे पिता श्री हनुमान जी हैं, बट देखने में कैसे हैं पता नहीं था। दोनों की हो गई लड़ाई, लड़ाई पूरे 13 दिन तक चली। हनुमान जी की गदा टूट गई, हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि रावण जैसा रावण मुझसे डरता और ये कौन है जो मेरी गदा टूट गई। फिर हनुमान जी तो पिता ठहरे ज़्यादा शक्तिशाली, हनुमान जी जितना तो कोई शक्तिशाली ही नहीं था। उन्होंने मकर ध्वज को बंदी बना लिया तो उनकी माता मतलब वो मछली बन गई थी वो कन्या और बोली प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आपके पुत्र के साथ लड़ाई कर रहे हो। तब हनुमान जी ने बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी राम का भक्त हूँ। तब उस कन्या ने वही वाली स्टोरी सुनाई कि सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया था, आप लंका दहन करके पसार हो रहे थे, आपके परसेवे के बिंदु पसीने के बिंदु जो पानी में गिरे वो मैं पानी स्वरूप में ग्रहण कर गई थी इसलिए मुझे आपके पसीने का पुत्र हुआ, और आपके पसीने का है मतलब आपका ही है। हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है। फिर गए पाताल लोक में, अहिरावण और बहिरावण का वध एक ही तरह से हो सकता था, 5 दीपक एक साथ में बुझे तो ही। वहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार पंचमुखी हनुमान जी का रूप लिया, 5 दीपक एक साथ में बुझाए, अहिरावण बहिरावण का वध किया, राम लक्ष्मण को छुड़ा के वापिस लौटे। तब राम को बोला कि एक लड़का है जिसको मैंने बंदी बनाया है वो बोल रहा है मैं आपका पुत्र हूँ। तो राम ने बोला सही बात है, सत्य है, आपके पसीने का पुत्र है मतलब आपका ही पुत्र है। तो फिर राम बोलेंगे तो हनुमान जी मान ही जाएंगे। फिर हनुमान जी आए मकर ध्वज के पास, उनको बंदी बनाया था, मुक्त किया और दोनों पाताल लोक से पहली बार जब पृथ्वी लोक पर निकले ना वो जगह की है, और दोनों मानव स्वरूप में निकले तो दोनों की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, किसी ने बनाई नहीं, और दोनों मूर्ति पहले समान थी। अब 1 साल में हनुमान जी की मूर्ति चावल जितनी पाताल लोक में जाती है और मकर ध्वज की 1 साल में चावल जितनी बाहर आती है।
जैसे हनुमान जी की छोटी होती जा रही है, मकर ध्वज की बड़ी होती जा रही है, और जब हनुमान जी की पूरे पूरी मूर्ति पाताल लोक में चली जाएगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। और हनुमान जी और मकर ध्वज की लड़ाई हुई, इसमें हनुमान जी की गदा टूट गई थी, गदा का ऊपर का हिस्सा कट गया, इसलिए यहाँ हनुमान जी के हाथ में दंड है और मंदिर का नाम है हनुमान दंडी। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। जय श्री राम।